एक सेकंड मैम, रिसीव करके देखता हूँ। हेलो हेलो पृथ्वी, सुनो हमारे बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं लगता तो नहीं है। थैंक गॉड। सुनो मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, आई डोंट केयर, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे पिछले कॉरिडोर पे मिलो। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जल्दी से मिलो, नहीं तो हम सब सब ना हम खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल्दी से मिलो। क्या हो गया, आप इतना टेंस क्यों हो गए? सब ठीक है? सब चंगा पुत्र। हाँ वो मॉम, आपका फोन वेटर के पास है ना, उसी वेटर का कॉल था ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि आपका फोन उसके पास है, इसी वजह से मॉम, क्योंकि वो वेटर मॉम के फोन से मुझे फोन करके इन्फॉर्म करा था कि मॉम का फोन उसके पास है। चलो भाई अच्छा हुआ, आखिर फोन तो मिल गया। मैम यूं गया और यूं आया जी। फोन लेके आता थैंक यू करीना बुआ कि मैंने आपको अलग से बुलाया और आप मेरी बात सुनने के लिए आ गए। तुमने कहा था ना कि कृतिका के बारे में, इसीलिए मैं आई। बात कृतिका के बारे में ही है, मैंने पहले जो गलती की मैं वो दोहराना नहीं चाहती हूँ, इसलिए इस बार मैंने। प्रीता अरोरा साफ साफ बोलो बात क्या है। करीना बुआ मैंने आपको पहले भी कहा ना, मैं कृतिका से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए मैं। तुम जब भी घुमा फिरा के बातें करती हो ना, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास कुछ कहने को ही नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। पृथ्वी कृतिका के लिए सही नहीं है। करीना बुआ आप प्लीज गुस्सा मत होना, लेकिन ये बात सच है, पृथ्वी कृतिका के लिए बहुत बुरा है। आई नो मैंने यही बात अक्षय के लिए भी कही थी, क्योंकि अक्षय भी कृतिका के लिए अच्छा नहीं था, वो भी धोखा दे रहा था। उसके खिलाफ भी मैंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे करे थे, लेकिन अक्षय ने सारे मिटा दिए, और जो सबूत मैंने आपको लाकर दिए वो आपने हवन कुंड में डाल दिया। लेकिन इस बार जैसे आपने मुझे कहा था ना, मैं वही फॉलो कर रही थी, मैं सिर्फ कृतिका की खुशी चाहती हूँ, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस शादी के बीच में नहीं आऊँगी। अगर कृतिका की खुशी पृथ्वी से शादी करने में है तो ठीक है, हो जाने दो। मैंने सृष्टि से भी कह दिया था कि पृथ्वी के अगेंस्ट कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करीना बुआ सच किसी से छिपता नहीं है, और मेरे अलावा कुछ और भी लोग हैं जिन्हें पता है कि पृथ्वी ठीक नहीं है। सृष्टि ने समीर के साथ। समीर? अगर कुछ गलत हो गया तो करीना बुआ तो समीर को छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं समीर को इन सब बातों से दूर ही रखती हूँ। नहीं नहीं समीर नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सृष्टि ने खुद पृथ्वी के घर जाकर पृथ्वी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया है, और इसके आगे मैं पृथ्वी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलूंगी आपको। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे कहने से आप ये देख लीजिए, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ये पृथ्वी हम सबको धोखा दे रहा है, मेरी बेटी के साथ। ये शादीशुदा है जी, और वो भी इसके। बहुत बड़ी मुसीबत फंस गए। कौन सी मुसीबत? कैसी मुसीबत? प्रीता, प्रीता के पास हमारी शादी का कोई बहुत बड़ा सबूत है। What? ना केयरलेस कौन हो सकता है, नीचे गिरा दिया और उठाया भी नहीं है। प्रीता के पास हमारी शादी का कोई बहुत बड़ा सबूत है, तुम्हें वो सबूत अपने पास रखने की क्या जरूरत थी? तुम झूठ बोल रहे हो ना बेबी? हाँ? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ मजाक कर रही हूँ ना? तुम्हें लगता है कि मजाक कर रही हूँ?
सृष्टि ने खुद अपने मुंह से कहा है, उसे मुझे कहा है कि प्रीता वो सबूत लेकर करीना बुआ के पास जा रही है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, हमारी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। पृथ्वी फिनिश्ड, ये फिनिश्ड बेबी। अगर वो सबूत सचमुच उनके हाथ लग गया ना, फिर तो हमारी कहानी खत्म। नहीं, हमें कोई नहीं बचा सकता। अब हमें कोई नहीं बचा सकता बेबी, कोई नहीं बचा सकता। ऐसे मत बोलो, तुम कितनी मल्होत्रा, तुम्हारे पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन रहता है, तुम हर एक मुसीबत से हमें बचाते हो। तुम सोचो, तुम अपने अंदर के जानवर को जगाओ, कुछ सोचो, कुछ कोई आइडिया, कोई प्लानिंग। बेबी एक बात बोलो। हाँ बेबी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी, मुझे लग रहा है हमारी कहानी खत्म होने वाली है, हमारा पर्दाफाश होने वाला है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। बेबी हम हार गए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है इनकी हारी हुई बाजी को जीत में कैसे बदलना है। एक प्लान है मेरे पास, अगर इस फैमिली ने शोलिन और पृथ्वी के राज का सबूत देख भी लिया होगा ना, तब भी मेरा प्लान इन दोनों को बचा सकता है। करीना बुआ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तक सगाई नहीं हुई है सब लोगों के सामने। चल के फटाफट इस सगाई को रोक देते हैं। हाँ आप यही रुकिए, मैं सबको यहाँ बुला कर लाती हूँ। प्रीता रुको। क्यों नहीं करीना बुआ, अब तो आपने देख लिया ना सबूत, अब क्या समझाने के लिए रह गया, क्या बताने के लिए रह गया, आपको और क्या प्रूफ चाहिए? आपको पता चल गया ना पृथ्वी ठीक नहीं है। करीना बुआ प्लीज, अगर आप ये सोच रही हैं कि कृतिका की शादी दूसरी बार टूटेगी और लोग क्या कहेंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, और दिल की भी परवाह मत कीजिए। अगर कृतिका का दिल टूटता है तो टूट जाने दीजिए, कुछ दिन तक रोएगी और फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर जिंदगी एक बार बर्बाद हो गई, बिखर गई ना, तो फिर ठीक नहीं होगी। आई नो करीना बुआ के आप एक माँ हैं, और माँ के दिल को बहुत तकलीफ होती है जब बेटी के साथ कुछ बुरा होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, बुरा होने से बच रहा है, उसके साथ बुरा हो नहीं रहा है। थोड़ी सी तकलीफ होगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने पृथ्वी की सच्चाई तो देख ली करीना बुआ, आपको अगर गुस्सा आए, आपको किसी को कुछ भी कहना हो, आप मुझे कहिए। आपको मुझे जो मर्जी कहना आप कह लीजिए, आप जो भी कहती है मैं उसका बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन ये शादी मत होने दीजिए। अपनी बेटी कृतिका को इतने बुरे इंसान के साथ जिंदगी भर के लिए मत बांधिए। आप मेरे साथ चलिए, ये शादी रोकिए। अगर आप ये नहीं करेंगी तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं कृतिका के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती हूँ। Come on, करीना बुआ, you are stronger than this. अपने आंसू पोछिए और मेरे साथ चलिए, चलिए। शातिर महिरा कुछ तो गड़बड़ करने जा रही है, आज मैं इसको कोई गड़बड़ नहीं करने दूंगी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? मेरे पास कोई वजह भी नहीं है तुम्हारे पीछे आने की। एनीवे, अब जब तुम मेरे सामने आ ही चुकी हो तो मैं तुम्हें बात बता दूं। प्रीता दी ने पृथ्वी के खिलाफ एक राजदार सबूत करीना मैम को दिखा दिया, तो मैं सोच रही थी कि तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। तुम क्या करोगी यहाँ भटक के घूम के, है ना? पृथ्वी एक्सपोज हो गया। It's okay.
खाए मेरी जंगली बिल्ली। तुम्हें पता है, तुम्हें ना ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था जैसे अभी तुमने दिया है। मुझे लगा था कि तुम मेरी बात सुन के शॉक्ड रिएक्शन दोगी, जो तुमने नहीं दी। इसका मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता था। इसका मतलब तुम पृथ्वी से मिली हुई हो। कोई बात नहीं, लेट्स गो। क्या बात है, मैंने पिक्चर खींच ली एक्चुअली। हो गया ना, बड़ा मूवमेंट। आई मीन ये कैसे हो गया? आई मीन इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे हो गया? आप दोनों हक कर रहे हो हाँ, और ये सब किया किसने? बेटा, इसकी एफर्ट की वजह से। ये बार बार मुझसे कहती रही, पर मैंने इसकी बात पे बिलीव नहीं किया। लेकिन इसने प्रूफ कर दिया कि पृथ्वी कृतिका के लिए सही लड़का नहीं है। तो वो बात तो मैं भी आपको कह रहा था बुआ। बेटा, तुमने सिर्फ कहा था, लेकिन इसने प्रूफ किया। एक्चुअली वो सृष्टि पृथ्वी के घर चली गई थी। सृष्टि? सृष्टि ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, और मैं हर बार उसे भला बुरा कहती रही। आई एम सो सॉरी। आप एग्जैक्टली हुआ क्या, कोई मुझे बताएगा? बेटा, एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं, पूरी फैमिली के सामने ही बात करेंगे। और बेटा प्लीज, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। चलो तुम चलो। कोई कुछ बता ही नहीं रहा। कृति, लिसन, डोंट टेक अस रॉन्ग। मैं समझाता हूँ। क्या समझाएंगे आप? जो देखना था वो देख लिया मैंने। नहीं कृतिका, नहीं, मेरी बात मेरे पास मत आइएगा। जहां है वहीं खड़े रहिए आप। अच्छा हुआ कि आज सगाई के पहले मुझे आपकी असलियत दिखाई दे गई। शालिन, तुमको रहने दो प्लीज, तुमसे बात नहीं कर रही। यस मामा जी, मेरे साथ ही हैं वो जी। आती हूँ। क्या हुआ कृतिका? मम्मा ने नीचे बुलाया है हमें, पूरी फैमिली के आगे कुछ डिस्कस करना है। पूरी फैमिली के साथ? चलिए। क्या डिस्कस करना है? आ जाइएगा। मेरी बात सुनो कृति, मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरे एक बार मुझे मौका दो तो समझाने का। कृति, क्या होगा हमारा? वही होगा जो हम नहीं चाहते बेबी। मुझे जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद भी नहीं। I'm finished. एक बात तो बताइए कि करीना दी ने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो क्या बोलना चाहती है? बहुत बड़ा राज खुलने वाला है आंटी। किसका? वो आप सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। क्या क्या पता चल जाएगा? मम्मी जी आपने चला। खबरदार, अगर मुझे मम्मी जी कहा तो अब तक तुम्हारी और कृतिका की शादी हुई नहीं है। पृथ्वी, तुम सबको सच बताते हो या फिर मैं सबको सच दिखा दो? लाइफ में जब कभी भी हमारा झूठ पकड़ा जाए तो एक्सेप्ट करने से मना कर देना।
क्योंकि जब तक तुम मना करोगी हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। आई होप बेबी को अपनी एडवाइस याद हो। मामा ये ऐसे नहीं बताएंगे। शरण एक काम क्यों नहीं करती, आप जाके पूछिए ना पृथ्वी जी से, आपको तो सब कुछ बताते हैं ना, बताएंगे, पूछिए। ये क्या बोल रही हो तुम, कैसी बातें कर रही हो? तो आप ही बताइए ना, आप शर्लिन को हक क्यों कर रहे थे? कृति वो मैम। पृथ्वी बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी तुम्हें और शर्लिन को हक करते हुए देखा। साफ साफ बोलो बात क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही बात। करीना बुआ क्या बोल रहे हैं आप लोग सब लोग, ये शादी का घर है, आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ऋषभ बेटा मैं तुम्हारे कमरे में जा रही थी ये देखने की शर्लिन रेडी है कि नहीं, तब मैंने देखा कि दरवाजा बंद करके शर्लिन और पृथ्वी हक कर रहे थे। करीना बुआ मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, पर आप भी सोचिए कि हक करना कोई गलत बात थोड़ी होती है, हक तो कोई दोस्ती के नाते भी कर ही सकता है ना, इसमें कोई खराबी नहीं होती। और वैसे भी ये शादी वाला घर है, आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कारण ये क्या हो रहा है। एक मिनट ऋषभ, तू कुछ नहीं जानता, ओके? जो बातें हो रही हैं वो अभी प्रूव हो जाएंगी। मतलब ऋषभ जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, पहले करीना मैम ने इन दोनों को हक करते हुए देखा और उसके बाद कृतिका ने भी इन दोनों को हक करते हुए देखा और दोनों बार ये दोनों अकेले थे, और आज जो राज खुलने वाला है ना उसे देखकर यहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। करीना मैम आप वो दिखाइए ना जो दीने आपको दिया था। आई नो के ये दिखाने से ऋषभ जी का दिल टूट जाएगा, बट एटलीस्ट कृतिका को सच का पता तो चलेगा। एक मिनट ये क्या बात कर रही हो तुम सृष्टि, मुझे कोई सच वच नहीं जानना है। आई थिंक आप लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है और मैं इस बात से अपसेट नहीं हूं कि ये शर्लिन को हक कर रहे थे। मैं इस बात से अपसेट हूं कि मैं इनकी वाइफ हूं एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम, तो अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो मुझसे आके बात करें ना। लेकिन नहीं, इन्हें बात करनी है शर्लिन से जाके। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि मैं इमैच्योर हूं, चीजों की समझ नहीं है, शर्लिन मैच्योर है, बट इट्स नॉट फेयर। दुख होता है ये देख के। इनफैक्ट ये शादी, ये सगाई फिर से करने का जो आइडिया था इसको लेके भी ये कंफ्यूज थे, लेकिन बात किससे की? शर्लिन से। शर्लिन ने जाके इन्हें समझाया कि नहीं ये करना बहुत जरूरी है, पूरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं थी ना, मुझसे बात करते। इस बात से अपसेट थी मैं, और ऋषभ भैया की तरह मुझे भी लगता है कि इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। आई टोटली बिलीव दैट, पर आप लोग ये कैसी बातें लेके बैठ गए हो? मेरी फैमिली इतनी नैरो माइंडेड कब हो गई? एक लड़का लड़की अगर अकेले एक रूम में है, अगर हक कर रहे हैं तो वो हक फ्रेंडली भी तो हो सकता है ना, जरूरी है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डाउल्स के कांटे बोना बंद कीजिए प्लीज। कम से कम आई एम ग्लैड और कोई नहीं तो मेरे ऋषभ भैया तो हैं जो इस घर में सेंसिबल हैं, जो ऐसी छोटी सोच नहीं रखते। So sweet. सही सोचा था मैंने इस लड़की के बारे में, ये अपनी शादी मुझसे करा के ही दम लेगी, कितनी प्यारी है ये। कृतिका शट अप। सैमी प्रोजेक्टर लेकर आ। जी भाई। मम्मा मैं जल्दी से मम्मा और जानकी आंटी को भी ले आती हूँ, मैं जो पत्थर लाई थी वो इस बागड़ बिल्ले के इस घर से विदाई में इसके ऊपर बरसाने में काम आएगा। एक्सक्यूज मी प्रोजेक्टर से क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा प्रोजेक्टर से, क्या साबित हो जाएगा, क्या हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। करण पुत्र छोड़ दे, ठंड रख। क्या कर रहे हैं आप भाई? मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये मत कीजिए, बच्ची नहीं हूँ भाई मैं, हस्बैंड नहीं है मेरे, और मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप किसी ने कुछ भी काम में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरे हस्बैंड हैं, आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है कृतिका, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, लेकिन एक बात समझ लो, तुम पृथ्वी की पहली पत्नी नहीं होगी, यू विल बी his second wife।